ब्रेक के बाद न्यूज लाइव में आपका स्वागत है खबर बागपत से, जहां समाचार प्लस पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। समाचार प्लस पर सीएम योगी एक्सक्लूसिव, सीएम योगी ने समाचार प्लस से खास बातचीत की है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे को लेकर बोले हैं सीएम, आज का दिन उत्तर प्रदेश के नाम है। पीएम ने यूपी की जनता को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। गाजियाबाद मेरठ बागपत जीटीबी नगर के लोगों को भी इससे फायदा होगा। एक्सप्रेसवे से दिल्ली के प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है एक्सप्रेसवे पर जमीन अधिग्रहण का रेट भी बढ़ाया। कैराना उपचुनाव को लेकर भी बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कैराना में बीजेपी की जीत होगी, सीएम ने कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बात करने के लिए। सर, अगर बात की जाए आज की, कितना बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, विकास के लिहाज से? आज ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को, चाहे वह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जो 135 किलोमीटर लंबा है, इसे आज उत्तर प्रदेश को, राष्ट्र को समर्पित किया है। यहाँ का एक लाइफलाइन ये कही जाएगी एनसीआर रीजन की, बहुत महत्वपूर्ण ये एक्सप्रेस वे है और यहाँ के विकास के नए द्वार खोलेगा। लगभग 86 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर से होके चलता है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये देश के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभारी हैं। साथ ही साथ दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेस वे है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है, एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। यह मात्र 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ की दूरी को तय किया जा सकता है इसके माध्यम से। हम लोग इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनके नेतृत्व में बुनियादी ढांचागत विकास के लिए जो अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, वह उसकी एक मिसाल है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। सर, आखिरी साल का पहला दिन है, आपको लगता है कि सड़कों का विकास है, इससे उपचुनाव में भी फायदा मिलेगा, पूरे प्रदेश में फायदा मिलेगा, कैराना को, पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। देश की राजधानी का प्रदूषण कम होगा, यातायात और विकास की नई संभावनाएं आगे बढ़ेंगी और किसानों को जो कंपनसेशन दिया गया है, यहाँ पर 900 रुपये का जो कंपनसेशन था वो 3600 रुपये तक दिया गया है, बहुत अच्छा कंपनसेशन दिया गया है। स्वाभाविक रूप से विकास की नई गतिविधियां बढ़ेंगी, विकास के लिए एक नया आयाम मिलेगी, कैराना में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। साफ तौर पर कैराना में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये साफ कर दिया है, एक मैसेज है, क्योंकि एक साल की सरकार बची है, उसका पहला दिन है, सड़क से यात्रा शुरू हुई है, प्रधानमंत्री आए हैं और वाकई ये मैसेज बहुत बड़ा है कि कैराना में विजयश्री मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था विपक्षी दलों ने कि जब यहाँ रैली होगी तो कैराना में असर पड़ सकता है, वो गन्ना मूल्य की बात हो, मुआवजे की बात हो, विकास की बात हो, वो असर वाकई पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ ने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साफ कर दिया। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ राहुल डवास, समाचार प्लस के लिए। प्रदेश के पहले स्मार्ट एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। इस एक्सप्रेसवे पर 8 आरओबी भी बनाए गए हैं, लेकिन जहां से पीएम ने जनसभा को संबोधित किया है, वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर ओवरब्रिज का निर्माण भी नहीं हुआ है और 6 की सड़क अचानक 3 लेन में तब्दील हो जाती है। वहीं हमारे संवाददाता ने एक्सप्रेसवे की खामियों का भी जायजा लिया। मोदी सरकार का बचा है एक साल का पहला दिन सड़कों पर एक्सप्रेसवे, दो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, 14 लेन का। अगर मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर जहां हम मौजूद हैं, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो सबसे पहला स्मार्ट एक्सप्रेसवे है हिंदुस्तान का, पूरे देश का, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटों पहले कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर यहां से ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो गई है, उसके बावजूद काम पूरा नहीं हुआ। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, महेश शर्मा, बड़े बड़े लोग जो आज मन से कसीदे पढ़ते हुए नजर आए कि एक दिन में 27 किलोमीटर सड़क हिंदुस्तान में बन जाती है और ये खोल दिया गया, स्मार्ट एक्सप्रेसवे खोल दिया गया, और जिसमें 4 बड़े पुल हैं, जिसमें 8 रेलवे ओवरब्रिज है, जिसमें 45 छोटे पुल हैं और 77 अंडरपास है, वो आप देख सकते हैं। यानी 8 ओवरब्रिज की बात की गई थी, रेलवे ओवरब्रिज की बात की थी, और उन ओवरब्रिज से एक की हालत आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ से ट्रैफिक जाएगा तो जाएगा कैसे?
जब नितिन गडकरी कहते हैं कि 27% दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा आज से ही, 41% वाहन कम हो जाएंगे आज से ही, तो ऐसे में इस सूरत होगी कैसे? और अगर जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बना नहीं था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाकई जल्दी क्या थी, या उन्हें क्या झूठ बोला गया कि एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो गया है? क्या कैराना उपचुनाव से बीजेपी फायदा उठाना चाहती थी जो इसी दिशा में कुछ किलोमीटर दूर है? वजह क्या थी ये नहीं पता, लेकिन वाकई अगर ऐसी हालात है सबसे स्मार्ट एक्सप्रेसवे के, जहाँ पे भारत का झंडा भी नजर आ रहा है, ऐसे एक्सप्रेसवे के अगर ऐसे हालात है जहाँ और भी रेलवे ओवर ब्रिज पूरा बनता नहीं, एक्सप्रेसवे खुल जाता है, प्रधानमंत्री खोलते हैं, तो जब वन वे हो जाएगा, एक तरफ से आवाजाही होगी, तो एक बड़ा एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। यानी कुछ दिनों का इंतजार या कुछ हफ्तों का इंतजार और करना चाहिए था, जो 500 दिन में 910 दिन का काम कर दिया, वो 550 दिन हो जाते तो ज्यादा बेहतर था। कम से कम इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होता वो नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सप्रेसवे स्मार्ट वो भी बनकर तैयार है। हालांकि स्मार्ट कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक साल और लगेंगे, जापान की कंपनी से करार हुआ है जिसके बाद ये स्मार्ट वाकई बन जाएगा, लेकिन आज खोल दिया गया, सड़क की हालत ऐसी है। ऐसे में हिंदुस्तान के जो सड़क परिवहन मंत्री कहते हैं कि 27 किलोमीटर सड़क बन जाती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 500 दिनों में काम हो गया, उन जवाबों के ऊपर विपक्ष सवाल आखिर खड़े क्यों ना करें? बागपत से कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ राहुल डबा, समाचार प्लस के।